हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बस मुंह से बोल दिया कि हाँ 55 जाएगा कट ऑफ, 60 जाएगा कट ऑफ और बस हो गया। नहीं दोस्तों, यहाँ पे पूरा कंपेयर किया जाता है और एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद ही बताया जाता है कट ऑफ। हम बात करें दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के कट ऑफ के बारे में। यहाँ पर पूरा एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होता है, देखिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है, एक होता है एग्जैक्ट। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड का मतलब ही होता है कि दो तीन नंबर इधर उधर हो सकता है लेकिन उसके अप्रोक्स ही जाएगा। और इसका तरीका क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कट ऑफ मैंने बताया था कि जनरल का कितना जाएगा, मैं बताने वाला हूँ आपको पूरा एनालिसिस के साथ बताऊंगा कि किस तरह से हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, कि कट ऑफ निकालने का एक एग्जैक्ट तरीका क्या होता है और किस तरह से कंपेयर करके कट ऑफ निकाला जाता है। ऐसा ही नहीं कि जो भी आया मुंह से बोल दिए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले अगर बात करें हम कंपेरिजन की, यहाँ पर पाँच सबसे बड़ा कारण बताएंगे और उसके बाद हम एनालाइज करके आपको जो आउटपुट होगा वो देंगे कि हाँ इतना एग्जैक्ट कट ऑफ जाएगा इस बार। जैसे पहला बात है, यहाँ पर कंपेयर किया जाता है कि 2013 में क्या हुआ था। तो 2013 में दोस्तों टोटल वैकेंसी 45,000 थी, टोटल फॉर्म कितने गिरे थे, 1,10,00,000, निगेटिव मार्किंग क्या था, 1/4। ये सारा चीज़ यहाँ पे देखा जाता है। देखिए अब 2018, यहाँ पे 2018 की बात की जाए तो 2018 में पूरा सीन दोस्तों बदल गया। यहाँ पे पहले क्या था कि 62,907 वैकेंसी थी, यहाँ पे बढ़ा दिया गया तो दोस्तों कितना कर दिया गया, 1,13,546, ये बढ़ाने के बाद हुआ था। तो दोस्तों बढ़ा है तो कट ऑफ तो लो जाएगा ही। अब यहाँ पे देखिए कैंडिडेट कितने अप्लाई किए थे, अब कहिएगा कैंडिडेट वो तो बहुत ज़्यादा थे, तो कैंडिडेट यहाँ पे दोस्तों टोटल 2 करोड़, एलपी ग्रुप डी मिला करके 2,80,00,000 करीब में, और यहाँ पे 2 करोड़ बन रही थी। तो अटेंडेंस कितना था, 65% इस बार अटेंडेंस था, यानी कि 100 में से 65 लोग एग्जाम देने गए थे। अब यहाँ पर देखिए क्या वो सबसे बड़ा रीज़न है जो कि कट ऑफ आपका यहाँ पे लो कर रहा है। सबसे पहला रीज़न है आपका दोस्तों कि स्किप बाय मेनी कैंडिडेट्स। यहाँ पे 65% जो अटेंडेंस है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 100 में से 35 लोग एग्ज़ाम देने नहीं गए, तो वो कहीं ना कहीं मैटर करता है। अब देखिए दूसरा क्या कारण है, निगेटिव मार्किंग। देखिए जो 2013 में क्या हुआ था, 2013 में दोस्तों निगेटिव मार्किंग 1/4 था, इस बार क्या हुआ इस पर ध्यान दीजिए, इस बार दोस्तों 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग था। अब इसका फर्क देखिए कितना बड़ा पड़ जाता है, आपका तीन में से एक सवाल कट जाता है। अगर आप तीन यहाँ पे गलती मारते हैं तो आपका एक सही भी कट जाता है। ये दोस्तों वहाँ पे 1/4 था तो 1/3 हो गया, तो कहीं ना कहीं तो मैटर दोस्तों करेगा ही करेगा, आपका जो सही है वो भी कट जाता है यहाँ पे। तो अगला सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे कट ऑफ लो जाने का, वो है आपका लेवल हार्ड। लेवल हार्ड, लेवल इस बार का थोड़ा हार्ड था। रीज़न क्या था, देखिए पुराने जो ग्रुप डी के क्या मान्यता थी कि ग्रुप डी में किस तरह के सवाल आते हैं, ग्रुप डी में ज़्यादातर आपको जीके आते हैं, इतिहास वगैरह से सवाल यहाँ पे टच किए जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पे सीन बदल गया। हुआ क्या कि इस बार पूरा का पूरा साइंस से ज़्यादा इनडायरेक्टली करंट अफेयर पूछ रहा था, पुराने करंट अफेयर भी पूछ रहे थे और सवाल जो था पहले वाला जो अकबर औरंगजेब इस टाइप का, वो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दिया गया और नए टाइप के सवाल यहाँ पर इंक्लूड किए गए थे। तो ये भी हो सकता है हमने जो तरीका अपनाया था पढ़ने का वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेल हुआ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कम यहाँ पे नंबर लोगों ने कैरी किया है। तो अब देखिए अगला क्या कारण हो सकता है, अगला दोस्तों यहाँ पे कारण कि फॉर्म भी कैंसिल हुआ था, आपने देखा था 14% अप्रोक्स फॉर्म कैंसिल भी हो गया था। और ये दोस्तों और नॉर्मलाइजेशन को लेकर गए, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा। रीज़न यह है कि आपको थ्री शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, जिसके वजह से किसी का पेपर किसी शिफ्ट में आपको इजी आया है, किसी में मॉडरेट, किसी में टफ आया है, तो उसके वजह से होगा क्या, किसी का आ जाएगा 70, किसी का आएगा 45, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। तो उस तरह से दोस्तों ये लोग चेक करते हैं कि किस शिफ्ट में ईजी है, तो वहाँ पर थोड़ा सा वहाँ पर क्या करते हैं कम कर देते हैं, तो इस तरह से लेवल बनाया जाता है। तो ये एक कारण हो सकता है दोस्तों। तो यही सब दोस्तों कारण है आपका, आप बहुत सारे लोग एग्ज़ाम छोड़े, निगेटिव मार्किंग जो था वो 1/3 था, लेवल हार्ड था, सिलेबस चेंज हो गया था दोस्तों, तो ये शिफ्ट में हुआ, तीन शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन के बाद कम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद दोस्तों हम लोग ये बोल सकते हैं कि जनरल का आपका यहाँ पे थोड़ा हम बढ़ा देते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं इतना कम नहीं जाएगा, तो हमने भी एनालिसिस किया, बहुत सारे लोगों से बात हुआ यहाँ पे, फिर उसके बाद जो एग्जैक्ट निकला दोस्तों वो है कि जनरल का लगभग 55 से 60 के बीच में आपका रहने वाला है जनरल का। ओबीसी की अगर बात की जाए तो 50 से 55 के बीच में यहाँ पे ओबीसी का 50 से 55 ध्यान दीजिएगा, और एससी का 45 से 50 और एसटी का यहाँ पे 40 से 45 रहने वाला है। ये फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो सकता है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैंने आपको रीजन जो बताया है यहाँ पे वो रीजन कहीं ना कहीं मायने यहाँ पे जरूर रखेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद।